हरे कृष्ण, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। आपको बताएंगे कि जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड कैसा है, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से अंकों का प्रयोग करना चाहिए, किस कलर का प्रयोग करना चाहिए जो उनके लिए फेवरेबल हो और उनके लिए अनुकूल हो, और किसको नौकरी मिलेगी, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश यात्रा जाएगा और कौन पांडित्य कर्म में रुचि रखेगा, कौन कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि खोलेगा, किसकी राजनीतिक पकड़ होगी, कौन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य करेगा, इस समय आपको विस्तार से बताऊंगा। आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप क्या करें कि हमारे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप ज्योतिष से अगर आपके कोई भी जिज्ञासा है, अपनी जिज्ञासा को जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, जन्म समय इन बॉक्स में जाकर के भेजें। हम अगले कार्यक्रम में आपकी समस्याओं का पूरा पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का चल रहा है। आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपके सामने चैलेंजेज आएंगे, चुनौती आएंगे, तो आप जो भी चुनौती आएगी उसको चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, आपके संघर्षों में कमी आएगी। भाग्य आपके अनुकूल है, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, शिक्षा के क्षेत्र से आपको धन लाभ होगा, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, कोई भूमि संबंधित अगर विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, पुराने मित्र मिलेंगे और आपका रुका हुआ धन मिलेगा। जब पाइपलाइन में कोई भी कार्य है तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि, राजनीतिक लाभ और ढेर सारे कार्य एक साथ होते हुए दिख रहा है। तो देखा जाए तो यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता का सुख मिलेगा, एकेडमिक क्षेत्र से धन लाभ मिलेगा। यदि आप राइटिंग वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत ही उत्तम है, कहानी, किताब, साहित्य लिख सकते हैं, उससे आपको धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। यदि आप फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अभिनेता के क्षेत्र में या अभिनय करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। राजनीतिक लाभ भी आपको मिलेगा, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, परिवार में जो समस्याएं चली आ रही समस्याएं हैं उसका समापन होने का समय आ गया है और आपका संघर्ष भी कम होगा, संतान सुख मिलेगा, संततियों की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, शत्रु और रोग को हल्के से भी न लें, और आपकी जो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, थोड़ा सा पत्नी से वाद विवाद होता है, वैचारिक मतभेद होता है, इससे आपको बचने की जरूरत है, विवाद न करें तो अच्छा रहेगा। और आप क्या करें कि छोटी छोटी बात को लेकर परेशान तो उससे आपको बचना है। भाग्य से आपका सारा कार्य संपन्न होगा, भाग्य आपके अनुकूल है, जहाँ नौकरी करते उसमें पदोन्नति और स्थानांतरण दोनों होने की संभावनाएं दिख रही है। थोड़ा सा जो अपने मित्र हैं मंडली, उससे मित्र मंडली से वैचारिक मतभेद हो सकता है, छोटी छोटी बात को लेकर आपके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती जो उचित नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा आपको रिव्यू करने की जरूरत है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, और आय और व्यय को लेकर के सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए हितकर रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी है कि आप कोई भी स्वादिष्ट चीज़ मिलता है तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ओवर ईटिंग से बचना है और ओवर ईटिंग करने से परहेज करें। आज आपको भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और दाल भरी पूड़ी गौशाला में गाय को खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक 3 है और शुभ रंग हल्दी कलर है। हरे कृष्ण। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपना अगर कोई भी प्रश्न है, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है ज्योतिष संबंधी, तो आप क्या करें कि अपना जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान आप इन बॉक्स में भेजें और अपने प्रश्न पूछें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अगले कार्यक्रम में दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर भी करें।